खुश होंगे। आज है फ्राइडे, तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने मॉर्निंग में कोई भी काम नहीं किया था। अभी दोपहर के 2:15 बजे हुए हैं, मैं अभी सो के उठी हूँ। वैसे तो मॉर्निंग से ही सो रही थी, लेकिन नींद नहीं आई थी। फिर मैंने खाना खाया और उसके बाद फिर मैं निया को भी मैंने सुलाया और फिर मैं सोई, तो 1 घंटा मैंने अच्छे से नींद ली और अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। तो अब मैं उठी हूँ और अब मेरा पूरे घर में बहुत ज़्यादा ही मैस फैला हुआ है और गंदगी भी हो रही है, क्योंकि आज मैंने क्लीनिंग की ही नहीं थी। खाना वगैरह तो मम्मी ने बना दिया था, लेकिन दूसरा काम सब पड़ा हुआ है। मेरे कपड़े भी अभी वॉश करने बाकी हैं, तो अब मैं करूँगी मेरा सारा काम। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरे, तो आज मैं अब उठी हूँ और अब ही मेरी मॉर्निंग हुई है, तो अब मैं अपना सारा काम करूँगी। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं अपना फ़ेस वॉश कर लूँगी ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ। तो फेस वॉश करके और पोंछ के अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं लगूँगी अपने काम पे। अभी नीयू तो मेरी सो रही है, जब तक नीयू सोएगी तब तक तो मेरा बहुत सारा काम हो जाए तो अच्छा है, वरना फिर वो नहीं करने देती है। तो अभी देखो 2:20 हो रहे हैं और आज बाहर धूप भी है, आज बारिश जैसा मौसम नहीं हो रहा है। तो अब मैं सबसे पहले तो जो बर्तन खाना खाने के बाद थोड़े बहुत धुले हुए थे, वो पहले मैं बर्तन के स्टैंड से खाली करके उनके कैबिनेट्स में जमा दूँगी, और उसके बाद जो किचन की सफाई वगैरह है वो सब मैं करूँगी। खाना खाने के बाद हम लोग सीधे सो ही गए थे, तो गैस का जो प्लेटफॉर्म है और थोड़े बहुत बर्तन भी हमारे धोने रह गए थे, तो मैं पहले ये सब करने के बाद दूसरी क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने बर्तन सारे खाली करके जमा दिए हैं और अब मैं प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही हूँ। तो मैं एक गीले कपड़े से इसे पोंछ दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। एक बार दाल सब्ज़ियाँ वगैरह बना के तो इसकी सफाई हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं हो रखी है, सिर्फ रोटी ही इस पर बनाई थी बाद में। तो मैं इसकी क्लीनिंग पहले कर रही हूँ और गैस भी मैं क्लीन कर दूँगी। नीयू सोई है और मम्मी भी शॉप पे चले गए हैं, तो घर में एकदम शांति शांति सी है। तो जब घर में एकदम शांत शांत सा माहौल होता है तब मुझे काम करने में अच्छा सा मन लग जाता है और मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। और जब घर में सब लोग होते हैं तो अपने आप ही काम करने की स्पीड कम हो जाती है और मेरे हाथ अपने आप ही धीरे चलते हैं। तो मैं फटाफट से मैंने गैस का प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया और अब मैं बर्तन धो रही हूँ। तो काम तो घर में रहता ही है, लेकिन अगर हम काम देख के घबरा जाए कि कैसे करेंगे तो फिर वो काम नहीं हो पाता है। और अगर लाइन टू लाइन एक एक काम अगर हम करते जाएंगे तो सारे ही काम इजीली और अच्छे से हमारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए हैं। पूरा प्लेटफॉर्म सिंक वगैरह सब साफ़ कर लिया, उसके बाद मैं ये जो ट्रॉलीज़ हैं किचन की ये भी ऊपर से क्लीन कर रही हूँ। इनको भी मैं 3 से 4 दिन में एक बार पोंछती हूँ, डेली मैं इन्हें नहीं पोंछती हूँ, क्योंकि किचन बड़ा है तो बहुत ज़्यादा गंदी ये नहीं होती है।
तो अब मैं लगा रही हूँ वॉशिंग मशीन, क्योंकि डेली मैं कपड़े हम मशीन में नहीं धोते हैं, क्योंकि अब भी 2 दिन के कपड़े भी मेरे इकट्ठे हो गए थे और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हाथ से धोना थोड़ा मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने मशीन लगा दी। तो मैं मशीन लगा दूंगी तो मेरे एक तरफ़ कपड़े धुलते जाएंगे और दूसरी तरफ मैं अपनी क्लीनिंग का काम कर लूंगी। तो मेरे कपड़े देखिए धुल रहे हैं, और अब मैं आ जाऊंगी। ये देखिए निया ने कैसा पूरा रूम बिखेर के रखा हुआ है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, और अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो देख के क्या सोचे कि कितना गंदा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करें, जितनी बार मैं समेटती हूँ ये निया तो बिखेरा करती ही रहती है। तो सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम की सफाई करूँगी, सारे इसके टॉयज़ वगैरह और पूरा जो भी मैस फैला हुआ है सब कुछ अच्छे से साफ़ करके, और उसके बाद झाड़ू और पोछा करूँगी। तो ये सब मैं समेट रही हूँ, उसके बाद सोफे भी अच्छे से झटक के और क्लीन कर दूंगी। ड्राइंग रूम में सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ पीछे के बेडरूम में, यहाँ पे भी मैंने सब जो बिखेरा था समेट लिया, उसके बाद झाड़ू मैंने लगा दी। देखिए 2 रूम में से इतना सारा कचरा निकल गया, और अब किचन में और इसे इस तरह से मैं नीचे की पूरी फ्लोर पे झाड़ू लगा दूंगी। बाहर झाड़ू अभी मैं लगाने नहीं जाऊंगी, क्योंकि निया ऊपर सो रही है, और अगर मैं बाहर निकली और पीछे से अगर वो उठ गई और रोएगी तो मुझे सुनाई नहीं देगा, इसलिए बाहर का झाड़ू मैं जब वो उठ जाएगी तब उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो पहले एक बार मैं अंदर अंदर की क्लीनिंग कर रही हूँ। अब मेरा झाड़ू भी लग गया है और मेरे कपड़े भी मशीन में धुल गए हैं, और पहले अब मैं क्लीन कर देती हूँ वॉश बेसिन। मैं वॉश बेसिन तो डेली क्लीन करती ही हूँ, अगर मैं झाड़ू पोछा सब कर दूँ और वॉश बेसिन क्लीन नहीं करूँ तो मुझे मेरी क्लीनिंग अधूरी लगती है। तो मेरा ये भी हो गया, और अब मैं जा रही हूँ पीछे कपड़े निचोड़ने के लिए। हमारी फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, सेमी है, तो अगर मैं ड्रायर में डाल के कपड़े निचोड़ती हूँ तो मुझे वो पसंद नहीं आते हैं, उसमें से जो डिटर्जेंट पाउडर है वो अच्छे से नहीं निकल पाता है, इसलिए मैं हाथ से ही निचोड़ती हूँ और उसके बाद मैं ड्राई कर दूँगी। तो मैंने जो कपड़े ड्राई करने थे वो सब ड्रायर में डाल दिए हैं, और मैंने दोनों साड़ियाँ ड्राई में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ही रिंकल्स हो जाते हैं। तो जब तक मैंने साड़ियाँ निचोड़ी तब तक मेरे कपड़े भी ड्राई हो गए, तो इनको मैं बाहर निकाल दूँगी। और तब तक अब मेरी नींव भी उठ गई थी, तो मैं पहले इसको दूध वगैरह पिला दूंगी। जब उठती है तब इसको बहुत सारा प्यार करने का मन करता है, और ये भी मेरे पास बहुत अच्छे से आके बैठ जाती है। नींद में से उठने के बाद बेबी और ज़्यादा ही प्यारे लगने लगते हैं। देखिए गाइस, आपको दिख रहा होगा अभी मेरी आंखें बहुत भारी भारी हो रही है। मुझे अभी कुछ भी नहीं, फीवर वगैरह तो नहीं हो रहा है, सिर्फ रात में मुझे फीवर आया था, लेकिन पता नहीं बहुत अजीब सी वीकनेस लग रही है मुझे बॉडी में, और मेरी आईज बहुत सुबह से बहुत ज़्यादा ही जल रही थी,
तो मैं सो के उठी तब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने अभी घंटा भर मैंने थोड़ा काम किया उसके बाद फिर से मेरी आईज़ भारी भारी लग रही है मुझे और नींद आ रही हो ऐसा ही हो रहा है। बट मुझे फिर भी सफाई तो करनी ही है। मेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है कि चाहे बीमार भी है तो भी उठ के काम करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता जब घर में झाड़ू पोछा या क्लीनिंग वगैरह नहीं होती है ना, तो मेरा मन नहीं लगता है। इसलिए मैंने टेबलेट्स ली थी खाना खा के और फिर मैं रेस्ट करके उठी और उसके बाद फिर से अपने काम में लग गई थी। और अब मेरी क्लीनिंग मोस्ट ऑफ हो गई, सिर्फ पोछा बाकी है तो मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद ऊपर जाके देखती हूँ कि क्या काम मेरा बाकी है। साथ साथ मैं अपने डिनर की प्रिपरेशन भी कर लूँगी। और अब मेरे कपड़े वगैरह सब अच्छे से वॉश हो गए हैं तो मैं पीछे की ये गैलरी भी अच्छे से आज क्लीन कर दूँगी। रोज़ तो इसमें सिर्फ नॉर्मली झाड़ू और पोछा ही होता है, आज मैं इसे अच्छे से पानी डाल के धो दूँगी। तो मैं जो ये वॉशिंग मशीन में डालने के लिए पानी के लिए हमने पाइप लगा रखा है उससे ही मैंने पानी डाल दिया है तो थोड़ा सा मेरा काम ईजी हो गया। अब पानी डालने के बाद मैं वाइपर से अच्छे से पानी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ गार्डन में कपड़े डालने। वैसे तो 3:30 बज गई थी तो मैं ऊपर ही डालती थी कपड़े, लेकिन अच्छी सी धूप थी तो मैंने सोचा कि ड्राई तो कर ही लिए गए हैं कपड़े तो अच्छे से सूख जाएंगे, इसलिए मैं गार्डन में ही डाल देती हूँ। अभी 2-3 घंटे तक धूप रहेगी तो कपड़े सारे ही सूख जाएंगे और समेट के उनकी जगह पे भी रख दूंगी, वरना फिर लटके ही रहते हैं। तो मैं डाल रही हूँ कपड़े और ये न्यू मेरे साथ साथ पीछे पीछे दौड़ रही है और पता नहीं कुछ ना कुछ मुझसे पूछती ही रहती है और बोलती ही रहती है, 1 मिनट भी चुप नहीं रहती है। और उस टाइम मैंने बाहर का झाड़ू नहीं लगाया था तो अब मैं पहले बाहर का झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद फिर सिर्फ अंदर का मेरा पोछा लगाना बाकी रहेगा और साथ साथ मैं डिनर की प्रिपरेशन भी करूँगी। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ इडली सांभर। तो मैं सांभर और इडली की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने सांभर की रेसिपी डिटेल में शेयर कर रखी है, इसलिए मैं इसकी रेसिपी आज शेयर नहीं करूँगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी वीडियो मेरा ज़रूर देख लेना। उसमें एक ही वीडियो में मैंने 4-4 साउथ इंडियन डिशेज की वीडियो डाल रखी है। तो मैं अरहर की दाल को अच्छे से 3 पानी से वॉश करने के बाद इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अभी मेरे पास लौकी नहीं थी इसलिए मैंने लौकी इसमें नहीं डाली थी, बाकी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सांभर में नहीं डालती हूँ। तो मैंने कुकर चला दिया है और उसके बाद मैं बना दूँगी इडली का बैटर। तो इडली तो नॉर्मली सबके घर में बनती है और सबको बनाने भी आती है तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद न्यू ज़िद कर रही थी कि मुझे शॉप पे जाना है तो कोई लेने आने वाला नहीं था इसलिए मैं ही जाके न्यू को छोड़ के आ गई और मम्मी ने कुछ सब्ज़ियाँ ला के रखी थी तो वो भी मैं लेके आ गई और उन सबको मैं वॉश करके रख दूँगी। जब भी हम बाज़ार से सब्ज़ियाँ लाते हैं तो हमें इस तरह से वॉश करके अच्छे से सुखा के उसके बाद ही फ्रिज में रखनी चाहिए, बाज़ार से लाते ही डायरेक्ट हमें फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उनमें गंदगी होती है और कुछ कुछ में कीड़े वगैरह भी होते हैं तो वो हमारे फ्रिज में कहीं भी निकल के घुस सकते हैं और हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल वो होते हैं। तो मैं इस तरह से धो के ही रखती हूँ। और ये देखिए एक नई सब्ज़ी भी इस सीज़न की आई है, तो ये सब्ज़ी क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इसे आपके वहाँ क्या कहते हैं। तो जब मैं गई थी न्यू को शॉप पे छोड़ने तो मैं वहाँ से लौकी लेके आ गई थी तो मैं लौकी भी इसमें कट करके डाल दूँगी और उसके बाद एक विसल इसकी और ले लूँगी तो लौकी भी अच्छे से पक जाएगी। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा, तो किचन में मैं आज बैठ के पोछा लगा दूंगी तो थोड़ा सा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इस तरह से मेरे नीचे की क्लीनिंग कंप्लीट हो गई और अभी 5 बज गए थे तो खाना खा
नहीं, मैं अभी 1 घंटा था, 6 बजे तक खाना खाते हैं पापा मम्मी वगैरह, तो मेरा सांबर वगैरह भी फ्राई करना बाकी है, तो मैंने सोचा कि अभी 1 घंटा है तो आधा घंटा ऊपर काम करके आ जाती हूँ। तो मैं आ गई ऊपर की फ्लोर पे, और मॉर्निंग में मैंने कुछ भी क्लीनिंग नहीं करी थी, तो मैंने सबसे पहले तो जो साड़ी वगैरह बिखरी पड़ी थी वो समेट के रख दी, और उसके बाद मैं बाथरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बाथरूम क्लीन कर लूँगी, तो जो भी सामान नीचे पड़ा हुआ है उनको उनकी जगह पर रख दूँगी, और उसे बाथरूम में पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लूँगी। और अभी बारिश का टाइम है तो जर्म्स वगैरह भी होते हैं, तो इसके लिए मैंने आधा ढक्कन डेटॉल डाल दिया है। वैसे तो फिनाइल से धोते हैं, लेकिन अभी फिनाइल नीचे रह गया था तो मैंने आधा ढक्कन डेटॉल डाल दिया, और पूरे में अच्छे से फैला के और फिर वाइपर से क्लीन कर दिया, तो इससे जर्म्स वगैरह बाथरूम में नहीं रहेंगे। ये सब काम मेरा मॉर्निंग का रहता है, लेकिन मॉर्निंग में आज कुछ नहीं किया था, तो सारा ही काम मुझे इवनिंग में करना पड़ रहा है। तो अब मेरा मोस्टली सारा क्लीनिंग का काम हो गया है, और मैंने बाथरूम धोने के बाद अच्छे से अपने हाथ को साबुन से वॉश कर लिया, और फिर मैं करूँगी अपने रूम में डस्टिंग। वैसे तो सुबह झाड़ू तो हमने लगा दिया था और बेडशीट वगैरह भी साफ़ की थी, लेकिन सुबह जब मैं सो रही थी बेड पे तो निया भी मेरे पास बैठी हुई थी, तो इसने ऊपर बिस्किट नमकीन वगैरह सब गिराए थे, तो वो सब मैं साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ मम्मी पापा वाले रूम में, तो इसमें मैं आज ऊपर के फ्लोर के सारे ही डोर्स वगैरह इस तरह से झटक के साफ़ करूँगी, कपड़े से पोंछ के आज मैं साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे ये नहीं हैं। तो इस तरह से मेरा वीकली क्लीनिंग का आज काम ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद कल से फिर से यही मेरा रूटीन रहता है। तो 1 वीक में मेरी मोस्ट ऑफ ये सारी क्लीनिंग हो जाती है, और उसके बाद फिर यही रिपीट होता रहता है। तो मैं पूरी ही फ्लोर के डोर्स वगैरह क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद पूरी फ्लोर पे मैं झाड़ू लगा दूँगी। पोछा मैं अभी नहीं लगाऊँगी, पोछा कल लगाऊँगी। अब मैं लगा रही हूँ पूरी फ्लोर पे झाड़ू। न्यू नहीं है, न्यू शॉप पे चली गई है, तो मेरा आराम से काम हो रहा है, वरना वो बीच बीच में आती ही रहती है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और काम भी बहुत ज़्यादा बिखर जाता है और बड़ा हो जाता है। तो देखिए, मैं अभी जब एडिटिंग कर रही हूँ और उसका नाम ले रही हूँ, तो वो मेरे सामने देख देख के हंस रही है कि मम्मी मेरा नाम क्यों ले रही है। तो मेरी इस तरह से ऊपर की फ्लोर की क्लीनिंग हो गई, और नीचे की तो मेरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। तो मॉर्निंग का काम आज मैंने इवनिंग में पूरा ख़त्म कर दिया, और उसके बाद मैं लास्ट में बालकनी में भी झाड़ू लगा दूंगी। यहाँ कबूतर बहुत ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं, देखिए डोर पे भी कितना गंदा हो रहा है। 2-3 दिन में एक बार साफ़ कर लेती हूँ, फिर भी गंदगी होती ही रहती है। तो यहाँ की झाड़ू लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी नीचे और सांभर बनाऊँगी, उसके बाद पापा और ये लोग भी खाना खाने आ जाएंगे, तो फिर इडली वगैरह भी बना दूंगी मैं। और इस तरह से मेरा आज का इवनिंग का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आ गई हूँ नीचे, और मैं सांभर फ्राई कर रही हूँ। इसकी रेसिपी जैसे कि मैंने बताया, मैंने पहले शेयर की है, तो मैं डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ। मेरी तो जब भी तबीयत ख़राब होती है और कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, तो मैं तो इडली सांभर ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है और सबको पसंद है, बस मम्मी को नहीं अच्छा लगता है। तो मम्मी के लिए हमने रोटी सब्ज़ी बनाई थी, रोटी मैंने बना दी थी, सब्ज़ी तो उन्होंने खुद ही बना दी थी। तो मेरा सांभर रेडी है, और इडली का भी मैंने एक बेच चढ़ा दिया है। और उसके बाद ये जो सब्ज़ी हम लेके आए थे, ये मैं साफ़ करके रख दूँगी, ताकि मॉर्निंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो इस सब्ज़ी को आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा कैमरा देखो डाउन होता जा रहा है, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा बिगड़ गया है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना।